खिलाड़ियों के चोट पर रवि शास्त्री ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा, अगर खिलाड़ी इतने चोटिल हो रहे हैं तो NCAA होने का क्या मतलब है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पिछले कुछ समय से भारतीय क्रिकेटरों के लगातार चोटिल होने की कई घटनाएं सामने आई है, जिसमें दीपक चहर, श्रेयस अय्यर और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी चोट से उबरने के बाद मैदान पर तो लौटे, लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी चोट फिर से उभर आई और उन्हें मैदान छोड़कर जाना पड़ा। अब भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने नाराजगी जताई है और कहा है कि NCAA होने का क्या मतलब है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स मैच से पहले दीपक चहर और उनके चोट पर रवि शास्त्री ने सवाल किया है कि NCAA में जाने का क्या मतलब है अगर कम मुकाबले के बावजूद चोटें बार बार उभर ही आती हैं। ESPN पीक इन्फो से बात करते हुए पूर्व कोच ने कहा, पिछले 3 से 4 वर्षों में काफ़ी कुछ ऐसे हैं जो NCAA के अस्थायी सदस्य बन गए हैं। जल्द ही उन्हें वहाँ से रेजिवेल परमिट भी मिल जाएगा। यह कतई अच्छी बात नहीं है, यह अवास्तविकता है। बता दें कि IPL 2023 में पूरे सीजन चोट के कारण बाहर रहने वाले दीपक चहर इस सीजन के दूसरे ही मैच में चोटिल हो गए थे और वो लगता है कि चेन्नई के 4-5 मैच मिस करेंगे। दोस्तों, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही स्पोर्ट्स की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनें।